बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो निकल गया समय। अब आकर आप क्या बताइएगा और किस मुंह से बिहारियों के पास जाइएगा, जब आपको 7 चरण 2 महीने में बिहारियों की याद नहीं आई। और चुनाव के वक्त तो कहा जाता है कि जो नेता जनता की परवाह नहीं भी करते हैं उनको भी जनता की याद आ जाती है, पर अगर ऐसे नेताओं को चुनाव में भी जनता की याद ना आए तो क्या उम्मीद रखते हैं ये कि जनता इनको क्यों याद रखेगी। देखिए हकीकत है, महागठबंधन, इंडी अलायंस, जो भी इन लोगों का नाम दें, ये लोग जान चुके हैं कि बिहार में कम से कम इनका कुछ नहीं होने वाला। तो एक वो बोलते हैं ना कि एक खाना पूर्ति करने के लिए, उसके लिए बस ये लोग दिखा रहे हैं कि भाई बाद में कोई ये ना बोले कि इतना बड़ा राज्य बिहार जहाँ से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है तो वहाँ पर ये लोग गए ही नहीं। तो सिर्फ दिखाने के लिए कि हम लोग गए थे, ये लोग सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आ रहे हैं, बिहारियों से इनका कुछ लेना नहीं। राहुल गांधी ने कहा है कि अब वो परमात्मा की कहानी सुनाएंगे और चुनाव के बाद वो इंटीग्रिटी है उनसे कार्रवाई करेंगे और पूछताछ करेंगे अडानी के मामले। ये तमाम सपने वो देख सकते हैं, हकीकत है यही 4-5 दिन है जहाँ पे वो ये सारी बातें कर सकते हैं। 4 तारीख को जब परिणाम आ जाएंगे तो फिर हाथ कंगन को आरसी, उस वक्त तो सब पता चल ही जाएगा ना कि क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद तो बोलने लायक ना ये बचेंगे ना इंडिया अलायंस के कोई बचेंगे। जितने लोग अभी भाषणबाजी, बयानबाजी, बड़ी बड़ी बातें, भौकाल पानी बनाया जा रहा है, 1 तारीख को समीक्षा बैठक करेंगे, अरे भैया जो लोग चुनाव से पहले एक साथ नहीं आ पाए, चुनाव में सीटों का बंटवारा एक साथ नहीं कर पाए, वो लोग 1 तारीख को ये लोग बैठेंगे समीक्षा करेंगे कि कितनी सीटों पे, 300+ सीटों पे चुनाव ये लोग जीत रहे हैं और प्रधानमंत्री कौन होगा, बड़ा बड़ा भोकाल पानी ताकि 7वें चरण के मतदान पर उसका असर पड़े। हकीकत है होना जाना कुछ नहीं है और ये लिख के ले लीजिए, इस बार NDA की सरकार सबसे ज़्यादा, इतिहास में सबसे ज़्यादा सीटों से इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं।